हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। छोटू के आत्मा को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए उनको, न्याय चाहिए भाई। छोटू के आत्मा अपने श्राद्ध के अगले ही दिन एक लड़की के देह पर आ गया, प्रेत बनकर उसके शरीर में समा गया और बोलने लगा कि हमको न्याय चाहिए, हमको आरती चाहिए, आरती चाहिए तो हमको आरती चाहिए। छोटू अपने गांव के एक लड़की के देह पर उखड़ गया, मानिए तो माने देह पर आ गया, प्रेत बन के समा गया उसके। तो आप लोगों ने देखा, सच है ये, जो जहाँ पे छोटू की मौत हुई थी, हत्या हुई थी ना, वो छोटू की आत्मा वहाँ पे भटकती है और वो भूत बन के रात को मंडराती रहती है, ये सच है। तो दोस्तों, चैनल पे ना मैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, और आप लोगों के प्यार की जरूरत है दोस्तों। तो बस आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे जैसे दे रहे हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना माय यूट्यूब फैमिली, प्यारी प्यारी सी, और वीडियो को फुल शरीर में झाड़ फूक हुआ तब और देह पर आया जब उखड़ा, तब पूछा गया कि तुमको कौन कौन मारा है। तो छोटू ने बताया कि आरती के बहनोई, आरती के भैया और आरती के भाभी तीनों मिलकर साजिश करके हमको मारा है सर। और पूछने पर कैसा मारा तो बताया कि बिजली के झटका लगाकर मारा है सर। तो मैं आरती, आरती ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग और नमस्ते हमारा आप लोगों के लिए प्यार भरा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज सुबह सुबह जो है ना, सोशल मीडिया वाले आरती के घर आए हुए हैं और वहाँ पे पता चलता है, जहाँ पे आरती की दादी रहती है, मतलब छोटू की हत्या की गई थी दोस्तों, वहाँ पे ना भूत, मतलब छोटू भूत बन के मंडराता रहता है, वहाँ पे उसकी आत्मा भटकती है, लोगों ने देखा है। अगर ये सत्य है तो आइए वीडियो को दिखाते हैं पूरा, और वीडियो को पूरा देखिएगा।